आज देश में दीपावली की धूम। जैसलमेर में बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मना रहे दीपावली। देश के प्रहरियों पर बढ़ाया जोश। सरहद पर जवानों संग प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली में सीडीएस बिपिन रावत और डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना शामिल। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे। जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों का उत्साह बढ़ाया, साथ ही मनाई दिवाली। पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील, शहीदों के नाम जलाएं एक दिया। घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। कल दीपोत्सव में शिरकत करने अयोध्या पहुंचे थे सीएम योगी। दीपावली पर अयोध्या में की गई भव्य सजावट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जवानों के संग बनाएंगे दीपावली। उत्तरकाशी में आईटीबीपी कैंप में होगा दीपावली मिलन। आरसपुरा में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, जमकर की आतिशबाजी। एलओसी पर भारत के जवाबी प्रहार से डरा पाकिस्तान। भारतीय राजनयिक को पाक विदेश मंत्रालय ने किया तलब। भारत की कार्रवाई से सहमा पाकिस्तान, दे सकता है झूठी सफाई। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरहद पर भारतीय प्रहार से पस्त हुआ पाकिस्तान। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक ढेर, 11 जख्मी। भारत ने आतंकी लॉन्च पैड की भी धज्जियां उड़ाई, कई बंकर ध्वस्त किए। उरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के 4 जवान और बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर शहीद। काबर केरन, उरी और नौगाम सेक्टर में लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं भारतीय जवान। पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों में भी बरसाई गोलियां, 6 गांव वालों की गई जान बारा घायल। जवानों की शहादत और लोगों के मारे जाने पर बीजेपी आग बबूला, पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे। एलओसी पर फायरिंग को लेकर राहुल गांधी ने भी पाकिस्तान को घेरा, कहा सीजफायर का उल्लंघन दिखाता है पड़ोसी मुल्क का डर। यूपी की खुर्जा में दिवाली पर पटाखा विक्रेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिता की गिरफ्तारी पर बिलख पड़ी मासूम बच्ची, पुलिस ने अनसुनी की फरियाद। सोशल मीडिया में मासूम का दर्द वायरल होने पर प्रशासन को आया होश। एसडीएम और सीओ ने मासूम के घर जाकर मनाई दिवाली। एसडीएम ने मासूम को गिफ्ट और दुलार देकर दिलो दिमाग से दूर किया प्रशासन के प्रति पनपा खौफ। पिता को थाने से ही जमानत पर छोड़ा गया। एसपी सिटी ने पटाखा विक्रेता को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। यूपी में पटाखे पर पाबंदी के बीच मासूम से असंवेदनशीलता दिखाने का मिला दंड। कल एनडीए की विधायक दल की बैठक, नई सरकार के गठन की रणनीति पर चर्चा। नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कल बीजेपी विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी आलाकमान ने सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया, नई सरकार के गठन और स्वरूप पर होगी चर्चा। बिहार कांग्रेस में दिखा हार का साइड इफेक्ट, विधायक दल की बैठक से 2 एमएलए नदारद, आपस में भिड़े 2 गुट। हार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद अब मनोज झा ने भी खड़े किए सवाल। ट्वीट किया, लिखा जनादेश को शासनादेश निकल गया। बीजेपी के राज्य प्रभारियों की नई सूची जारी, कैलाश विजयवर्गीय के पास ही रहेगा पश्चिम बंगाल का प्रभार। भूपेंद्र यादव को बिहार, गुजरात और का फिर से बनाया गया प्रभारी। राम माधव को नहीं मिली किसी प्रदेश की जिम्मेदारी। वैजन पांडा को दिल्ली का मिला प्रभार, तो अलका गुर्जर को मिली सह प्रभारी की जिम्मेदारी। मुरलीधर राव को मिला मध्य प्रदेश का पदभार, अनिल जैन और सरोज पांडे को कोई जिम्मा नहीं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सबसे पहले मना दीपावली पर्व, भस्मात्र आरती और शिव के श्रृंगार का दिखा भव्य दृश्य। दिवाली पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्षरधाम मंदिर में करेंगे लक्ष्मी पूजा, लाइव प्रसारण की व्यवस्था। विदिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लक्ष्मी पूजा, सुंदर डेयरी में पूजा का आयोजन। बहरामपुर में अधीर रंजन ने काली पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। दिवाली पर बंगाल में होती है काली पूजा।
अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य नजारा, 6,06,000 से ज्यादा दीपों से जगमगाई, रामनगरी गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। रामपुर में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली, जले 5,00,000 दीपों से रोशन हुए शहर। मुसाफिरों के लिए दिल्ली मेट्रो की सूचना, दिवाली पर रात 10 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। पटाखों पर पाबंदी के बाद जोधपुर में बने मिठाई पटाखों की धूम। सरहद पर मनाई जा रही दिवाली, कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने जलाई दी। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने मनाई दिवाली, देश के नाम दिया जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अगरतला में बांग्लादेश बॉर्डर पर दिवाली का जश्न, बीएसएफ और डीजीपी के जवानों ने साथ मिलकर मनाया त्योहार। दिवाली पर जगमग हुई मुंबई, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया शिवाजी पार्क। जयपुर में भी दिवाली की रौनक, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। दिवाली पर दिल्ली में एक गैर सरकारी संस्था ने शहीदों के नाम जलाए दीपक, शहीदों को किया नमन। दिल्ली पर फूलों से सजा बद्रीनाथ, दिवाली पर फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम, आज मां लक्ष्मी की खास पूजा। केदारनाथ मंदिर में भी जोरदार सजावट, हजारों टन फूल मालाओं से सजा बाबा का दरबार। प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए किया ट्वीट, डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी का गोदाम हुआ कुर्क, पत्नी और रिश्तेदारों के नाम है संपत्ति। दिल्ली सरकार अब बेघरों को देगी घर, 2025 तक 89,400 फ्लैट बनाने का लक्ष्य, केजरीवाल बोले जहां झुग्गी वहीं मकान। अकोला में बेसन की मिल में लगी आग, 50,00,000 से ज्यादा का नुकसान। मदुरई में कपड़े की दुकान में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। कोरोना की जांच की दर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार, अधिकतम 20,400 रुपए करने के लिए जनहित याचिका। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 7,802 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 91 मरीजों की गई जान, अब तक 7,423 की मौत। दिल्ली सरकार ने बेतहाशा बढ़ते कोरोना केस के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया, 10 दिन में कोरोना के आंकड़े में कमी की उम्मीद जताई। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 44,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, 520 मरीजों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, अब तक 81,63,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 4,132 मामले, 19 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में अब तक 17,36,000 कोरोना संक्रमित, 16,09,000 हुए ठीक। उत्तराखंड में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 467 नए केस, अब तक कुल मौत 1,097। गाजियाबाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर की खुदकुशी की कोशिश, पति की अस्पताल में मौत, पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली में एक कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस को जमीनी विवाद का शक। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार, 26 डेबिट कार्ड, नकदी और बाइक बरामद। दिल्ली के एक मॉल में एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, 60% जली हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के फरुखाबाद में वायरिंग करते एक शख्स का वीडियो वायरल, मामला दर्ज, तलाश शुरू। रुड़की में धरे गए 2 ड्रग तस्कर, 40 ग्राम स्मार्ट बरामद। असम के करीमगंज में पुलिस ने जब्त की गांजा की बड़ी खेप, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 समुदायों के बीच मारपीट और पथराव, 2 जख्मी, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बुलंदशहर में एक लड़की की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। सीतामढ़ी में अवैध फीस उगाही पर भड़के छात्र, सड़क जाम, जमकर मचाया उत्पात। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। हापुड़ में करीब 42,000 के नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। 40,00,000 की नकदी के साथ धरा गया एक शख्स, 400 विदेशी नोट भी जब्त किए गए। में करीब 11 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद, 2 गिरफ्तार। भिवंडी की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की हो रही है कोशिश, रिहायशी इलाकों को कराया गया खाली। यूपी के कुशीनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लाखों का नुकसान। हरदोई में रोडवेज की यात्री बस बीच सड़क में ही लगी आग, शीशा तोड़कर निकाला गया मुसाफिर। बिहार के हाजीपुर में दुकान में गुस्सा बेकाबू ट्रक, एक बाइक सवार समेत 2 लोगों की को कुचला, हादसे के बाद भीड़ ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बेकाबू पिकअप वैन पलटी, 10 की मौत। यूके की गिलगित बल्चिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पीएम इमरान खान के खिलाफ लगे नारे।
देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज शांतिवन पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने पंडित नेहरू के समाधि स्थल की परिक्रमा कर की पुष्पांजलि। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर सेना ने साइकिल रैली का किया आयोजन। दिल्ली में वॉर मेमोरियल से रवाना हुई साइकिल रैली। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिला दिवाली गिफ्ट। पोस्टमैन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट। ह्यूंडई ने लॉन्च किया i20 का नया मॉडल। 2008 में पहली बार बाजार में उतारी गई थी कार। पेटीएम ने दिया ग्राहकों को दिवाली का तोहफा। एक बार में खरीद सकेंगे 1 करोड़ तक का डिजिटल गोल्ड। दिवाली पर इस बार बाजार से गायब है चीनी सामान। व्यापारियों ने फिर किया दावा। चीन को लगा 40,000 करोड़ का झटका। सितंबर तिमाही में डोमिनोज पिज्जा बेचने वाली जुबिलन फूड ने बंद किए 105 स्टोर। पहली तिमाही में बंद किए गए थे 100 स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया आगाह। रूस और उत्तर कोरिया के हैकर्स कोरोना वैक्सीन की रिसर्च उड़ाने के चक्कर में। जो बाइडेन बना रहे अपनी नई टीम। 23 भारतीयों को मिल सकती है जगह। चुनाव के नतीजों पर ट्रंप का प्रहार लगातार जारी। ट्वीट में अरिजोना और नेवाडा में वोटिंग सिस्टम पर उठाए सवाल। आखिर चीन ने दी जो बाइडेन को जीत की मुबारकबाद। कमला हैरिस को भेजा बधाई संदेश। इमैनुअल मैक्रों ने आतंकवाद से की कोरोना की तुलना। कहा युद्ध स्तर पर निपटने की जरूरत है।